स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अश्विनी शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। अश्विनी शर्मा ने बताया कि देश के आज़ादी दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर युवाओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ भी शामिल रहीं। देश की आज़ादी का दिहाड़ा हर बार देशवासी पूरे जोशों खरोश में मनाते हैं और देश के प्रधानमंत्री का एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा। उन्होंने शहीदों को नमन करने पूरे देश भर के कोई कभी तिरंगा यात्रा निकल रही है, कई जगह मशाल जुलूस निकल रहे हैं। आज पठानकोट युवा मोर्चा जोड़ा है वो स्कूटर रैली जी है कड़ रहा है, महिला भी अपन दिख रही वे और सारे बड़े नेता जोड़े है ये अंदर शामिल होए ने और इन्हों झंडी दिखा के रवाना करना और इन्होंने कार्ड के पुलते जोड़े शहीदों के स्टैचू लगे ने उसे पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि भेंट करनी है। मैं सारे पठानकोट निवासियों को निवेदन करना कि 15 तरीक न अपने अपने घर से तिरंगा लहराओ और तिरंगा लगाओ और देश की आज़ादी ने जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन्होंने सारे शहीदों के प्रति शहादत दो और इस शहादत के पैरों देने से देश की एकता अखंडता भाईचारा मजबूत होए, यदा प्रण ली।